स्वागत है 360 एकेडमी पर और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा वीडियो है, तो आप लोग हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, तो 1922 तक पढ़ लिया है। ठीक है, ध्यान रखना 1922 तक कहानी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, तो बाकी डेट भी ध्यान रखना कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 1922 के बाद क्या होता है। जैसे गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, तो ध्यान रखना गांधी जी का हिंदुस्तान में ज़बरदस्त विरोध चलता है। गांधी जी बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं और गांधी जी की कमजोरी का फ़ायदा अंग्रेज लोग उठाते हैं और गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको 6 साल की सज़ा बोल देते हैं। तो ध्यान रखना गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 6 साल की सज़ा बोल दी गई, तो 1922 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ध्यान रखना गांधी जी को 28 में हम मिलेंगे, लेकिन इसके पहले फिर छूटेंगे तो कुछ समय के लिए आते हैं, तो अभी हम मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना गांधी जी अब यहाँ तक वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, 22 से 28 तक। अब इस 1922 का जो सिस्टम यहाँ से चालू होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है और इस क्रांतिकारी आंदोलन को हम अगले वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यहीं पर ध्यान रखना, इसी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण बहुत से नेता गांधी जी से नाराज़ हो जाते हैं। और जैसे नाराज़गी की हम बात करें, तो आप लोग ध्यान रखना बड़े बड़े नेता, अगर हम गर्म दल के नेताओं की बात करें तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जैसे इन लोगों ने क्या किया, ध्यान रखना एक संस्था बनाते हैं, उसका नाम था HRA। एक संस्था बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, खासकर भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी 1924 में। ठीक है, और ये बनी कहाँ थी, तो ध्यान रखना यही कानपुर में, अपना वाला कानपुर। ठीक, तो कौन सी संस्था बनती है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संस्था का उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करना और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ों को परेशान करना और उनको मारना पीटना, उनके दफ्तर में आग लगाना, ऑफिस में आग लगा देना, उनको परेशान करना। ठीक है, किसका उद्देश्य था, HR संस्था का उद्देश्य था। तो इसी पार्टी के मेंबरों ने, ध्यान रखना एक आप लोगों ने सुना होगा काकोरी कांड, इन सबकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, जैसे काकोरी कांड और असेंबली में बम फेंकने की क्रियाएं, ये सब किसके द्वारा होती हैं, ये HRA संस्था के द्वारा होती हैं, हालांकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और दूसरी अगर हम बात करें तो असेंबली में बम क्यों फेंका गया था, तो ध्यान रखना एक सेफ्टी वाल्व बोले तो सेफ्टी वाल्व एक चालू बन रहा था कानून। ठीक है, तो कानून की वजह से ध्यान रखना वो कानून का उद्देश्य था, सेफ्टी वाल्व बोले उसको, और उस कानून का उद्देश्य था कि जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए उसको तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। तो इसका मतलब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त लोगों ने सोचा कि ये तो हमारे लिए बन रहा है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, इसी समय असेंबली में बम फेंक दिया था, तो वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, हालांकि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इन HRA संस्था के लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कांड किए हैं, तो उनको बाद में चर्चा करेंगे। इसी बात ध्यान रखना 1922 के एक साल बाद 1923 की हम बात करें, 1923 में क्या होता है, देखो इसी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण क्या होता है, गांधी जी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब नाराज़ कौन होते हैं, एक आप लोगों ने सुना होगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और एक थे CR दास। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग मिल करके ये कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस है अब इसके बस का तो रहा नहीं जो देश को आज़ाद करा ले, अब हम ही आप लोग एक नई संस्था बनाते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को संगठित करेंगे और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाएंगे। तो ध्यान रखना मोतीलाल नेहरू और इसके अलावा CR दास, इन लोगों ने मिल करके एक संस्था बनाते हैं, उसका नाम था ध्यान रखना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत
स्वराज पार्टी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी? एक तो है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे हैं सी आर दास, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी बनाई गई, उसका नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी तो आप लोगों ने सुना होगा, तो वही पार्टी है। तो ये कब बनाई गई? 1923 में बनाई गई। और इसका जो स्लोगन था, तो ध्यान रखना क्या था, 98% लोगों के लिए स्वराज और 2% कांग्रेसियों के लिए नहीं, ठीक है। मतलब स्लोगन क्या है इस पार्टी का, कि 98% लोगों के लिए स्वराज, ठीक है, और 2% कांग्रेसियों के लिए नहीं। स्लोगन किसका है? तो ध्यान रखना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का है। चलो, ये पार्टी बन गई, तो ध्यान रखना संस्थापक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, कब बनी? 1923 में बनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था 1922 में क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और इनको 6 साल की सज़ा बोल दी जाती है और जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, गांधी जी को जैसे गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, तो फिर क्या होता है समस्या, कि 1 साल बाद यानी 1923 में गांधी जी पड़ते हैं बीमार। तो जैसे गांधी जी बीमार पड़ जाते हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, गांधी को छोड़ दिया, काय बुढ़ा अगर जेल में मर जाएगा तो पूरी पब्लिक हम पर ऐसे टूट पड़ेगी, तो समस्या हो सकती है। तो ध्यान रखना अंग्रेज़ों ने गांधी जी को 1923 में छोड़ दिया। गांधी जी ने सोचा कि हमें सज़ा माफ़ नहीं की गई है, गांधी जी ने लोगों से कहा भी, अवगत कराया कि देखो हमें जो सज़ा मिली हुई है वो माफ़ नहीं की गई है, मैं बीमार पड़ गया हूँ इसीलिए इसको क्या करते हैं, हमें बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो बीमारी की वजह से हमें बाहर छोड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम 6 साल की सज़ा मिली है तो उसको अवश्य काटेंगे। तो गांधी जी ने कहा हम घर में जेल बना के काटेंगे और सिर्फ एक बार बाहर निकलते हैं। तो पहली बार देखो, जब गांधी जी 1 साल बाद बीमार होते हैं तो 1923 में निकलते हैं, और 1923 में निकले तुरंत पहुँच गए किसके पास, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के पास पहुँच गए। सी आर दास से कहा क्या बना रहे हो, दोनों ने कहा कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी। गांधी जी ने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, कहा लिखो स्वराज पार्टी अंडर कांग्रेस, तो इसका नाम चेंज करवा दिया गांधी जी ने, क्या रखवा दिया, स्वराज पार्टी अंडर कांग्रेस, ठीक। अब स्लोगन कौन सा है, 98% कांग्रेस, 98% भारतीयों के लिए स्वराज और 2% कांग्रेसियों के लिए नहीं, तो गांधी जी ने कहा इसको भी ख़त्म करो, तो गांधी जी ने इसको भी कटवा दिया और कहा लिखो 100% भारतीयों के लिए स्वराज, ठीक है, 100% भारतीयों के लिए क्या, स्वराज। तो यहाँ पर भी चेंज करवा दिया गांधी जी ने, यहाँ पर भी चेंज करवा दिया। और गांधी जी ने कहा इन लोगों से कि विरोध करना हो तो असेंबली में करना, बाहर मत करना, और 2 साल बाद तुम्हारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब 1925 में ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होता, 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये ठंडे पड़ जाते हैं और स्वराज पार्टी ठंडी पड़ जाती है। तो चलो पार्टी भी ठंडी पड़ गई। अब इसके पहले देख लो, हमने बताया कि यहाँ पर गांधी जी एक बार बाहर आए, फिर 1924 में भी गांधी जी एक बार बाहर आए हैं, और 1924 में ध्यान रखना एक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन को हम बोलते हैं क्या, बेलगांव, बेलगाम बोलते हैं, ठीक, बेलगांव नहीं है, बेलगाम है, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का होता है और कब होता है, 1924 में होता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो ध्यान रखना कौन करता है, गांधी जी करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पर केवल गांधी जी ने क्या, कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो कौन है, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया तो कब किया, 1924 में, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है।
और ध्यान रखना, इस अधिवेशन में गांधी जी ने एक योग्यता निश्चित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में वही मेंबर शामिल होगा जो चरखा चला पाता है, अर्थात जिसको चरखा चलाना आता है वही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, गांधी जी ने एक योग्यता निश्चित कर दिया, ठीक है, जो अब नए सिरे से पार्टी में शामिल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद कई संस्थाएं बनती हैं। एक तो बन जाती है HR, बनाने वाले कौन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। कब बनती है, 1924 में बनती है। फिर क्या, 1923 में कौन सी बनती है, सो मैंने आपको बता दिया, संस्थापक कौन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास। गांधी के बाद आने से क्या होता है, इसका नाम चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो नाम चेंज करने के बाद केवल आप सिंपल इतना ध्यान रखना, स्वराज पार्टी, बस इतना ध्यान रखना, क्या, स्वराज पार्टी स्थापना 1923, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, देखो एक साल बाद गांधी जी, अब हमने बताया कि 6 साल की सज़ा किसको बोल दी गई, गांधी जी को बोल दी गई है। तो अब 1924 में एक बार गांधी जी बाहर निकलते हैं, एक बार सिर्फ। वो कब निकलते हैं, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, भाग लेते हैं। इसके बाद गांधी जी चले जाते हैं वापस अपने घर, और फिर अब 1928 के पहले नहीं निकलने वाले हैं। तो गांधी जी से हम अब डायरेक्ट मुलाकात कब करेंगे, 1928 में। तब तक इधर ही देख लो स्टोरी क्या चल रही है। अब 1925 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1924 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1925। 1925 में एक अधिवेशन होता है, वो कौन सा अधिवेशन है, कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की आकृति हैं सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू ये कानपुर के अध्यक्षता, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, हालांकि महिला ना बोलें क्योंकि इसके पहले एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कर लिया है, लेकिन भारतीय प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला, वो भी कौन, भारतीय, तो कौन है, सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो 25 वाला गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, सॉरी 24 वाला गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, और 25 वाला सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। तो जो 24 वाला हुआ है वो बेलगांव में हुआ है, और जो 25 वाला हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कानपुर में हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 1925 में अगर हम 3 जोड़ दें तो फिर कितना हो जाएगा, 1928। तो 1928, अब यहाँ से क्या होता है, एक नई कहानी शुरू होती है। तो चलो नई कहानी क्या होती है, अच्छा अब आप लोग सोच रहे हैं इसके बीच में क्या होता है। तो 1925 और 1928 के बीच में क्या होता है, यहाँ पर गांधी जी जेल में रहते हैं, और इस समय 25 से 28 के बीच में भारत में बहुत ज़्यादा भारी संख्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक दंगे। और इसी समय RSS की स्थापना भी होती है, और स्थापना का कांड क्या होता है, मुस्लिम लीग को क्या करना, जवाब देना। तो मुस्लिम लीग को जवाब देने के लिए RSS की स्थापना होती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम लीग से संबंधित, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करना। तो यहाँ पर हमने बताया 1925 से 1928 तक हिंदुस्तान में भारी संकट रहता है, क्योंकि दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम आपस में टकराते रहते हैं। कारण क्या, होता क्या था, तो थोड़ा समझ लीजिए संक्षिप्त में क्या होता था। देखिए, मान लीजिए अगर कहीं मंदिर में पूजा हो रही है तो मुस्लिम क्या करते, मांस के टुकड़े को ले जाते, फेंक देते। और जब कहीं मस्जिदों में पूजा, मस्जिदों में अगर नमाज की समय होता, नमाज पढ़ी जाती, तो हिंदू लोग आते बैंड बाजा लेकर के बजाना शुरू कर देते, और शुरू कर देते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। तो ये बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। तो 1925 से 1928 तक भारी समस्या रही, और फिर 1928 का जब समय आता है तो गांधी जी की ध्यान रखना, जो 6 साल की सज़ा दी गई थी वो पूरी हो जाती है।
अब गांधी जी की सज़ा पूरी हुई, अब इसी समय ध्यान रखना गांधी जी बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं दोनों पार्टियों से कहते हैं जो हुआ सो हुआ, मुस्लिम लीग को भी समझाते हैं, कांग्रेस को भी समझाते हैं, कहते हैं अब हम अंग्रेज़ों से विधोद टक्कर लेंगे। तो ध्यान रखना अब गांधी जी यहाँ पर एक बार और निकलने के बाद, सज़ा पूरी करने के बाद, अब बोलते हैं कि 6 साल की सज़ा बोल दी गई है, हमारी आत्मा अपवित्र हो गई है, तो फिर करना क्या है, हमें 1 साल मौन व्रत रखना है। तो ध्यान रखना हम अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, तो 29 तक यानी 1 साल गांधी जी मौन व्रत रखेंगे। तो उनको मौन व्रत रखने दो, फिर इसके पहले क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो अब इनसे हम गांधी से मुलाकात कब करेंगे, 1929 में मुलाकात करेंगे। तब तक इधर देखिए, 1928 में एक नई घटना घटती है। क्या आप लोग अधिवेशन से तो परिचित होंगे, ठीक है, इसके अलावा आप लोग शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में आप एक्ट से परिचित होंगे, बहुत से एक्ट बनाए जाते हैं। पहला एक्ट भारत में बनता है 1773 का एक्ट, और इसके बाद समय समय पर बहुत से एक्ट बनाए जाते हैं। एक्ट का मतलब क्या है थोड़ा समझ लो। देखिए भारत में शासन कौन कर रहा है, अंग्रेज, तो उनके लिए शासन कैसे करेंगे उसके लिए कोई नियम कानून संविधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों के लिए ध्यान रखना जो एक्ट बनाए जाते थे वो किसके लिए बनाए जाते थे, अंग्रेज़ों के लिए, कि आपको किस प्रकार शासन करना है और कैसे शासन करना है, ठीक है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखा जाए तो एक्ट में एक्सप्लेन किया होता था। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो संवैधानिक विकास में हम यही पढ़ते हैं, ठीक है, सारे एक्ट को कवर करते हैं, तो वही एक्टों की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना कि यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्ट का मतलब होता है कि हम जो अंग्रेज लोग शासन करेंगे वो कैसे करेंगे और उनका सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक। तो अब अगर हम बात करें 1919 का एक्ट, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, और इस एक्ट में एक प्रावधान था। कौन सा प्रावधान था, कि 10 साल बाद, क्या इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, और वो कमीशन क्या करेगा, भारत में ध्यान रखना द्वैत शासन चल रहा था इस समय, ठीक है, तो द्वैत शासन की वो जांच करेगा, और वो कमीशन यह भी जांच करेगा कि भारतीयों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है, भारतीयों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ध्यान रखना 1919 के अंतर्गत 10 साल बाद जो कमीशन बनना था वो, अब अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 1929 होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 1929 में होने वाले थे चुनाव, 1929 में क्या होने वाले थे, चुनाव। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में दो खास पार्टियां थीं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और एक मजदूर पार्टी। मजदूर पार्टी भारत के अच्छे संबंध हुआ करते थे, और जो कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी वो भारत के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता था, भारत के प्रति वो अलग उसकी रवैया हुआ करती थी, वो भारतीयों को एक प्रकार से देखा जाए तो उल्लू समझती थी। कौन, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की जो विचारधारा हुआ करती थी कि उसका उद्देश्य है कि भारतीय जो हैं उल्लू हैं, उनका शोषण करते रहो ठोकते रहो। लेकिन जो मजदूर पार्टी हुआ करती थी वो समझती थी कि भारतीयों को रेल में कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो 1929 में चुनाव होने वाले थे और सरकार किसकी थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी। कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि हम इस बार हार जाएंगे और मजदूर पार्टी की सरकार बनेगी, तो मजदूर पार्टी भारतीयों को ज़्यादा रियायत ना दे दे, इसीलिए ध्यान रखना इस जो 10 का प्रावधान था उसको 2 साल पहले कर दिया गया, ठीक है। तो 1919 में जो 10 साल का प्रावधान था उसमें 2 साल कम कर दिए गए, ठीक है, क्या हुआ, 2 साल कम कर दिए गए, यानी कि 1927 में, ठीक है, 1927 में एक कमीशन बना दिया गया, और जो कमीशन बनाया गया था उसी का नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1919 के एक्ट में प्रावधान था कि एक कमीशन बनेगा 10 साल बाद, और वो जांच करेगा कि भारत में जो शासन चल रहा है और इसके अलावा भारतीयों को कितना प्रशासन दिया जाए। तो 10 साल में अगर बनेगा तो फिर 1929 में बनना चाहिए, 30 में आना चाहिए, लेकिन 2 साल पहले क्यों, तो हमने बताया चुनाव की वजह से। तो फिर क्या हुआ, 1927 में कमीशन बन गया लंदन में, कौन, साइमन कमीशन, उसका नाम क्या था, साइमन कमीशन।
और 1928 में भारत बंबई उतरा। तो बना कब है 1927 में और भारत कब आया है 1928 में। तो ध्यान रखना साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था 1927 में और भारत कब पहुंचता है 1928 में, राइट। तो 1928 में जब ये भारत पहुंचता है तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही उसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।